नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिधि खोरावास ब्लॉग। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छी इवनिंग के साथ। अभी शाम के 7 बजे है और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ रांदल माँ के टेम्पल पे। हमारे घर के पास जो रांदल माँ का टेम्पल है ना, वहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे माता रानी के गरबा, मैंने बोला था ना कि शाम के टाइम को सब लोग मिलके गरबा गाते हैं, सो वहाँ पे जा रही हूँ। थोड़ी देर माता रानी के दर्शन करूंगी, वहाँ पे बैठूंगी, आशीर्वाद लूंगी और फिर वापस घर पे आएंगे। और आप लोगों को भी रांदल माँ के दर्शन वापस से करवाती हूँ क्योंकि इतने प्यारे रांदल माँ है ना कि जब भी वहाँ पे जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है बस माता रानी को देखते रहे और वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो चलिए चलते हैं रांदल माँ के टेम्पल पे। मैं 7 बजे गई थी वहाँ पे और अभी 9 बज गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग गरबा गा रहे थे माता रानी के और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। वहाँ पे गए, दर्शन किए, एकदम से वो कहते ना दिन बहुत ज्यादा ही बेस्ट हो गया। अभी राइट 9 बज गए हैं, देखिए। बट आप लोगों के साथ भी रांदल रोज ना रांदल में अलग अलग लगते हैं क्योंकि अच्छी तरह से उसका श्रृंगार किया गया है, सो बहुत ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। शांति से दर्शन किए, बहुत अच्छी तरह से सब लोग गरबा गा रहे थे, सो मैं भी वहां पे बैठी थी, गरबा भी सब लोगों के साथ गाए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। वापस से घर पे आ गई हूँ और अभी रात को हम लोगों को कहीं पे जाना है, कहाँ वो आगे बताती हूँ। फिलहाल अभी मैं जल्दी जल्दी से किचन में जाके खाना बना लेती हूँ, उसके बाद रेडी होके कहीं पे जाना है, आगे आगे पता चलेगा कहाँ पे जा रहे है। रात का गरम गरम सा डिनर करने के बाद सीधा मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं गरबा देखने के लिए। सब जगहों पे गरबा खेले जा रहे हैं, सो हमारे सब्सक्राइबर ने भी कल बोला था कि आप लोग आइएगा, सो आज हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब वहाँ पे सब छोटी छोटी गर्ल्स वगैरह सब लोग गरबा खेलते हैं, सो मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, साथ में आ रहे हैं पार्थ एंड तृष्टि। अमन को कॉल किया, सो अमन नहीं आने वाला है, बट घर पे काम इतना ज्यादा है ना, कपड़ा दिखाऊं, इतने ढेर लगे हुए है ना, सब जगह पे कहीं पे जाते हैं ना तो आने के बाद इतने सारे कपड़ों का ढेर लग जाता है और फटाफट से घर का काम भी करना होता है, सब साथ में हो जाता है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं सब काम को साइड में छोड़ के गरबा देखने के लिए। सब लोग ना, छोटी छोटी गर्ल्स, सब बड़े, सब लोग गरबा खेलते हैं तो वो देखने में इतना, वो कहते हैं ना, मजा आता है, अच्छा भी लगता है क्योंकि माता जी के नवरात्रे है तो किसे अच्छा नहीं लगता। सो हेमल अभी उन दोनों को लेने के लिए गए है, सो अभी 2 मिनट में वो आ जाएंगे यहाँ पे, फिर चलते है यहाँ से। चलिए, तो अभी यहाँ पे तृष्टि एंड पार्थ भी आ गए हैं और साथ में हेमल भी आ गए हैं। जय श्री कृष्ण हेमल। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आजकल तो नींद तो हो ही नहीं रही है क्योंकि जागरण ही हो रहे हैं। नींद हराम है देखो अमन के जैसे कर रहा है। अमन के जैसे कर रहा है। पार्थ भी आके रेडी हो रहा है। हाय तृष्टि। हाय। देखिए तृष्टि प्रिंसेस जैसे रेडी हो गई है गरबा खेलने के लिए अच्छी तरह से। मैंने कहा था वो वांद्री चौक में गरबा खेल लो। खेल लो। पर वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ ना, क्या कैसे करे? और साथ में पार्थ भी आ गया है। हाय पार्थ। हाय। एग्जाम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छा ना, बट 2 दिन की छुट्टी है ना। तेरी भी एग्जाम है? एग्जाम नहीं, छुट्टी। छुट्टी है 2 दिन की। अच्छा, ऐसा कहाँ जाना है कल? ओ, हमारा जहाँ प्रसादी सेलिंग होता है वहाँ पे कल, क्योंकि कल तो प्रसाद सेलिंग भी करना है तो जल्दी से हेमल को उठना ही है, साथ में मुझे भी उठना है। चलिए अभी फटाफट से जाते हैं सब लोग साथ मिलके गरबा देखने के लिए। अगर तृष्टि को खेलना होगा तो तृष्टि खेलेगी, क्यों तृष्टि खेलेगा? यस, चलिए अभी चलते हैं घर से। सेंटर से पहना है। यस, आज हम दोनों ने पर्पल पर्पल मैच किया है, दोनों का मैचिंग। लेडीज लेडीज मीन्स चेंज चेंज नॉट मैच। चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं, जाना है ना। चलिए तो जहाँ पे गरबा प्ले होता है ना वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और वहाँ पे तो स्टार्ट भी हो गया है गरबा खेलना, इसलिए अभी हम वहाँ पे चलते हैं, पहले माता रानी के दर्शन करेंगे। और सब लोग होते हैं ना तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कंफ्यूज नहीं बट हेमल के मगज जाना होता है ना तो मैं अकेली हो जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। रेडी ना बच्चों? चलो Oh,
खेल के दृष्टि थक गई, इसलिए हम दर्शन करके गरबा वहाँ पे देख के आ गए हैं वापस यहाँ पे। अब हेमल का वेट कर रहे हैं। मजा आया दृष्टि गरबा खेल? यस, कितना मजा। थक गई, बहुत थक गई। क्या उधर लाइट नहीं है वहाँ पे? ना बहुत ज्यादा ही लाइट है। क्यों दृष्टि? चक्कर भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा राउंड है, तो दृष्टि तो ऐसे भी थक गई। और हमें से देखने को भी जाते नहीं ना, तो हमें थोड़ा अलग लग रहा था। क्यों दृष्टि? कोई बात नहीं, चलिए अभी हेमल का वेट कर रहे हैं। हेमल आते हैं तो हम लोग जाते हैं दूसरी जगह पे देखने के लिए। यस, हमारा घर आपका घर है ना, वहाँ चक्कर है इतना बड़ा है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे देखने जाएंगे, ठीक है, चलिए। अभी मैं आ गई हूँ सीधा नानी के घर पे। सब जगहों पे रास स्टार्ट है, बस छोटे छोटे राउंड है ना, हम तो कहीं पे गए नहीं, सीधा नानी के घर पे आ गए हैं। अभी नानी नीचे जा रहे हैं क्योंकि सब रिलेटिव यहाँ पे आते हैं। नानी के घर के बाहर ही डेकोरेशन होता है और यहीं पे रंधनवा के रास भी आते हैं। इतना बड़ा डेकोरेशन ही रास होता है। हेमल को भी रात को भी कॉल आ रहे हैं। और पार्थ और दृष्टि साढ़े बारह बजे पता ही नहीं चला ना, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। क्या गरबा खेलने गई थी तुम? यस, गरबा खेल के मजा आया। अभी यहाँ पे लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है क्योंकि रास स्टार्ट है बट थोड़ा आगे है। जैसे जैसे रास इस तरफ आएगा ना, आवाज भी इस तरफ आती जाएगी। स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए होते हैं, इतना लंबा रास हो जाता है ना। टेम्पल कहाँ पे होता है और रास कहाँ पे होता है? अभी अभी दृष्टि जहाँ से खेल के आई ना, वही वैसा ही था। क्यों दृष्टि? थक गई दृष्टि, बहुत ज्यादा थक गई। अब चले हम चलते हैं घर। क्या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। समझ में आ गया, अच्छी बात है, चलिए। वो आजकल बच्चे ना इंस्टा पे वो अपडेट रहते हैं, होता है ना, वो सब कर रहे हैं, तो टकला खा लिया ऐसा बोल रहे हैं। क्या अभी हम लोग दृष्टि को ड्रॉप करने जा रहे हैं, बट हमें पता चला कि दृष्टि की मम्मी पापा ने चौपाटी है, सो हम लोग जा रहे हैं चौपाटी दृष्टि को छोड़ने के लिए। अभी पास स्कूटर चला रहा है, देखो चलिए अभी दृष्टि को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है क्योंकि दीपिका अभी यहाँ पे थे। अब चलते हैं हम लोग घर पे, यहाँ पे बैठे हैं, देखिए आराम से हवा खा रहे हैं चौपाटी की। क्यों दीपिका, अभी अच्छा लग रहा है? दो बच्चे को उठाना है, सब मिल रहा है। देखो दो बच्चे को, हम चार बजे बिठा ले, हमें सब चलता है। चलिए भागते हैं अभी घर पे क्योंकि ढेर सारा काम घर पे बाकी है। बाय बाय, सुबह जल्दी मिलेंगे 6 बजे, ठीक है। चलिए अभी वापस से घर पे पहुंच गए हैं। माता रानी के गरबे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा और दृष्टि तो ना वहाँ पे एक राउंड लगा के भी आई, उसे खेलना था इसलिए दृष्टि खेलने भी गई थी। आज भी रंगल माँ के दर्शन हो गए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अभी घर पे आ गए हैं, दृष्टि को हम लोग ड्रॉप करके ही आए हैं
और अभी भी सब जगहों पे स्टार्ट ही है क्योंकि अभी तीन दिन आई थिंक है, हाँ 3 दिन है, तो 3 दिन तक, वैसे तो 2 ही दिन है, कल है माता रानी का जागरण, सो कल तो पूरी रात खेलेंगे गरबा, आज भी पूरी रात, जब तक खेलना हो ना तब तक गरबा खेलते ही है ऑलमोस्ट। सो पता नहीं अभी हिमल आए कि नहीं, मैंने सोचा आ गए हैं, वो है पार्ट को ड्रॉप करने गए हैं क्योंकि दृष्टि को तो हम वहाँ पे ड्रॉप करके ही आए हैं। चले तो अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, 1:35 नहीं पर 25 मिनट हुई है। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि कल भी सुबह जल्दी जल्दी से उठ के हम लोगों को कहीं पे जाना है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। चले तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।